दिन मुंबई में लगातार बारिश के चलते कई लोगों के काम रुकते नजर आए। कहीं ऑफिस जाना, बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत तो कई लोगों के शॉपिंग। एक दिन जो बारिश बंद रही उसके कारण लोग बाहर निकले, जो काम अधूरा था उसे पूरा किया, जो भी कार्य रुका था वो बनते नजर आया। मुंबई में लगातार 3 दिनों से जो बारिश गिर रही थी उसे काफी दिक्कत हुई है लोगों को। काफी लोकल ट्रेन धीमी हो गई थी। बीएसटी बस और टैक्सी ऑटो की बात करें तो कई सारी टैक्सी ऑटो भी खराब हो गई है। ऐसे ही हम इस वक्त मलाड के एरिया में खड़े हैं, जहां पर ऐसे लोग भी हैं जो कि काफी खुश है आज के दिन क्योंकि बारिश नहीं हुई। आइए जानते हैं 3 दिन की जो बारिश हुई थी उसके बाद से आज बारिश में तो कैसा लग रहा। एक्चुअली ऑफिस वगैरह जाने के लिए गीले हो जाते हैं तो फिर ऑफिस में बैठने भी मुश्किल हो जाता है। इसी रीजन की वजह से बारिश एक तरह से अच्छा भी है और थोड़ा नुकसान भी हो जाता है। लोकल ट्रेन वगैरह बंद हो जाती हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है एंड और भी बहुत सारी तकलीफें होती हैं बस टैक्सी के लिए। जानना ये भी चाहूँगा साथ में कि बारिश के साथ साथ ऐसे होता है कई कई कि आप ऑफिस में टाइम पे पहुँचने वाले होते हैं लेकिन वही टाइम पे निकलने के बाद भी आप पहुँच नहीं पाते। जी बिल्कुल, बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं जो ट्रेन रोज पकड़ता हूँ वो ट्रेन उसके ट्रेन से पहले वाली ट्रेन पकड़ने के बाद भी मुझे वो टाइम पे नहीं ऑफिस में पहुँच पाता हूँ। तो ये सारी तकलीफें तो होती ही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, कहीं आना जाना होता है तो आराम से आ जा सकता है। ज्यादातर जैसे कि आप स्कूटर पे बैठे तो ये आपकी भी स्कूटर? जी हाँ जी। तो स्कूटर पे तो बारिश में काफी दिक्कत होती होगी? जी बहुत दिक्कत होती है। बहुत बार एक्सीडेंट से बचते हैं क्योंकि सामने वाला एकदम ब्रेक मार देता है, आगे कोई खड्डा आ जाता है या कुछ आ जाता है तो हमें भी अर्जेंट ब्रेक मारनी पड़ती है। तो हादसे तो बहुत होते हैं बारिश के दिनों में। लेकिन आज बारिश नहीं तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है उसको। अच्छा लग रहा है क्योंकि अगर आज बारिश नहीं है तो थोड़े घर के काम भी हो सकते हैं। 3 दिन लगातार बारिश के साथ ये लोग बच्चे के साथ बाहर भी नहीं निकल सकते। सो आई फील गुड। जैसे कि हमने काफी सारे लोगों से बात की और उन्होंने कहा है कि 3 दिन लगातार बारिश होने के बाद आज पूरा सूखा था, यानी कि बारिश नहीं गिरी, इसलिए काफी हद तक कुछ लोग खुश हैं क्योंकि जो लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे उन्हें शॉपिंग करनी हो या कोई घर का सामान खरीदना हो या किसी अर्जेंट मीटिंग में जाना हो तो काफी लोग खुश है कि आज बारिश पूरा दिन नहीं हुई तो उनके काम तो बने हैं। अब मौसम पे निर्भर करते कि बारिश कब और किस वक्त आती है। कैमरामैन इम्तियाज के साथ मैं प्रणव शत्तहल का 24 न्यूज मुंबई। तो देखा आपने किस तरह से एक दिन बारिश न आने से रुके काम आसानी से हो गए। बरसात के समय खुशियां तो बहुत है लेकिन साथ ही अगर हमारा काम भी आसानी से हो जाए।